नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद एंड मेडिसिन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी को बताऊंगा काली मिर्च के बहुत ज़्यादा फायदों के बारे में। दोस्तों काली मिर्च वैसे तो घरों के अंदर इस्तेमाल की जाती है और काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहती है। काली मिर्च का पाउडर आप खानों के अंदर इस्तेमाल करते हो और दोस्तों हमारे खाने के जायके को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना देते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज काली मिर्च के फायदों के बारे में। दोस्तों वैसे तो काली मिर्च के बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में आपको ऐसे 5 फायदे बताऊंगा जो कि आपको दोस्तों हैरत में देंगे कि काली मिर्च के इस्तेमाल से हमको ऐसे भी फायदे मिल सकते हैं। दोस्तों काली मिर्च आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी रहती है। चलिए दोस्तों जानते हैं काली मिर्च के फायदों के बारे में। दोस्तों काली मिर्च का सबसे पहला फायदा होता है वो खांसी की वजह से सोना जब मुश्किल पड़ जाता है तो दोस्तों इसमें काली मिर्च बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहती है। खांसी अधिक आने पर यदि आप सो नहीं पा रहे हो तो आपको 1 से 2 काली मिर्च मुंह के अंदर रखकर चूसते रहना है। खांसी में दोस्तों आपको आराम मिलेगा और नींद भी आपको अच्छी प्रकार से आ जाएगी। दोस्तों जो इसका दूसरा फायदा होता है वो आपको खांसी में आराम दिलाता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले फायदे में बताया है, ये खांसी में आराम दिलाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा अदरक लेना है, उसके बाद आपको 3 से 4 काली मिर्च को मिलाकर काढ़ा बना लेना है। इसको पीने से आपकी खांसी में बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। चाय के स्थान पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसका एक इस्तेमाल किया जाता है शीत पित्त को ठीक करने के लिए। दोस्तों आप जैसे कि पिक्चर में देख रहे हैं, जिन व्यक्तियों को या फिर किसी को भी दोस्तों जैसे चकत्ते से नहीं उठाते हैं, लाल चकत्ते उठते हैं बॉडी के अंदर, उसे शीत पित्त बोलते हैं। शीत पित्त होने पर आपको 4 से 5 काली मिर्च पीसकर 1 चम्मच गुनगुने घी से या फिर दोस्तों आप इसके अंदर शक्कर को मिलाकर अगर आप दोस्तों इसको पिलाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों इस पर किसी प्रकार का तेल जो कि डॉक्टर बता सके उनको लगाने से भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। दोस्तों हम इसका और फायदा जान लेते हैं। दोस्तों खांसी के साथ जिनको कमजोरी रहती है उसमें भी काली मिर्च बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है। दोस्तों मैं आपको इसका एक नुस्खा बता देता हूँ। जिसको खांसी रहती है या फिर खांसी के साथ जिसको कमजोरी भी हो जाए उसके लिए आपको 20 ग्राम काली मिर्च, 100 ग्राम बादाम, 150 ग्राम खांड या फिर मिश्री मिलाकर उसे कूटकर पाउडर बना लें और शीशे के अंदर भरकर रख लें। आपको रोजाना 1 ग्राम सुबह शाम गुनगुने दूध या गुनगुने पानी के साथ लेंगे तो दोस्तों आपको पुरानी से पुरानी खांसी ठीक हो जाएगी और इससे दोस्तों कमजोरी में भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों हम जानते हैं इसका आखिरी फायदा, वो होता है दोस्तों हिचकी और सिर दर्द में काली खांसी बहुत ज़्यादा आरामदायक रहती है। दोस्तों जिसको हिचकी होती है या फिर सिर में दर्द होता है उसको काली मिर्च की 3 से 4 दानों को जलाकर उसके धुएं को सुखाने से आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा प्राप्त होगा। दोस्तों ये थे काली मिर्च के बहुत सारे फायदे जो कि आपने इस वीडियो में जाना, या दोस्तों आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे रहेंगे। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएँ। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, तो दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल आयुर्वेद एंड मेडिसिन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम लिंक मिलेगी, आप वहाँ पर जाकर हमको फॉलो करें और उसके बाद दोस्तों आप अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। दोस्तों अपने सुझाव के लिए कमेंट जरूर करें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।